हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं खजूर खाने, जो कि हमारी चाची का लड़का बोल रहा था खाने के लिए दोस्तों, इसलिए हम जा रहे हैं आज खजूर खाने। और देख सकते हैं गाइस, मतलब यहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। और यह बगल में दोस्तों कुआँ भी है, जो कि मतलब दूसरे का है। और दोस्तों, जो ये पेड़ दिख रहा है ना, ये भी दूसरे का है, देख सकते हैं आप। आम तो इस साल फरा नहीं है दोस्तों, आया नहीं है इस साल ज़्यादा। आया रहा दोस्तों, लेकिन सब करा झड़ गया है, तो इस साल आमा तो ज़्यादा आया नहीं। ऐसे मतलब खजूर इस साल बहुत आया है दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं मतलब खजूर खाने, क्योंकि तो हमारे चाची का लड़का ये बोल रहा था जाए खाने के लिए। यही उसी दिन ज्ञान दे रहा था दोस्तों, बोल रहा था कि ऐसा नहीं वैसा करो। दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी खजूर खाने, तो चलिए चलते हैं। गाइस, से बड़ा का पेड़ भी लगा है बगल में, देख सकते हैं आप। और जो ये बगल में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ कूड़ा कचरा मतलब फेंकते हैं सब कोई ये बगल में। गाइस, ये अमित है, जो कि एक मोटिवेशन आपको देना चाहता है। बोल रहा है कि प्लेन नहीं पौआ पियो, जिसमें सार है, बाकी सब बेकार है। मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए। तो अभी तो जा रहे हैं दोस्तों, यहीं खेत आ गए हैं, आपको उस दिन दिखाए थे, यहीं आ गए हैं दोस्तों। खजूर तो मतलब गिरा हो गया, अभी कोई आया नहीं है, तो वहीं अभी जा रहे हैं दोस्तों, खाएँगे आज खजूर। मन कर रहा था दोस्तों, देख सकते हैं कैसे मतलब दौड़ के जा रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कैसे मतलब दौड़ के जा रहा है। इतनी खुशी है उसको, इतना मतलब इंतजार नहीं हो रहा है उससे, तो बोल रहा है मैं अभी दौड़ के जा रहा हूँ दोस्तों। तो हम भी अभी जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं मतलब पेड़ के पास, देख सकते हैं ये पेड़ लगा है। और अमित अभी ढूंढ रहा है दोस्तों कि खजूर कहाँ पास गिरा है, तो अभी चलते हैं नीचे, जो कि गिरा होगा दोस्तों, देखेंगे। दोस्तों नीचे आ गए, देख सकते हैं आया है और खाने लगा है दोस्तों बीन के, जो कि अभी ढूंढ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, प्लेन का पौआ डरा है, मतलब बॉटल दोस्तों, यही जो आया ये अमी थे ना दोस्तों, उस दिन यही पी रहा था प्लेन का पौआ। तो अभी चलते हैं खेत दोस्तों, मतलब अभी वहाँ जाएंगे हम, देखेंगे कुछ वहीं दोस्तों जहाँ हम जा रहे हैं अभी, हम वहीं क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, चलिए आपको हम दिखाएंगे। तो गाइस, हम जा रहे हैं अपने मतलब जहाँ क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, वहीं हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे, चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस, आ चुके हैं यहीं, जो कि आपको दिखा दें दोस्तों, ये जो हम आ रहे हैं, ये बाउंड्री है, देख सकते हैं झूला लगा है दोस्तों, वहाँ पास बाउंड्री है। और जहाँ पास विकेट गाड़ते हैं दोस्तों, वहाँ पास भी आपको दिखा दें, और देख सकते हैं दोस्तों इतना मतलब बड़ा ग्राउंड है दोस्तों, आपको दिखा दें, देख सकते हैं आप, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है दोस्तों। चलिए चलते हैं यहीं, मतलब पेड़ पौधे बहुत लगे हैं दोस्तों, देख सकते हैं मतलब अगल बगल पेड़ भी बहुत हैं दोस्तों। तो अभी तो जा रहे हैं, दिखा दें आपको, तो आ चुके हैं यहीं, यहाँ पास विकेट गड़ता है दोस्तों, देख सकते हैं मतलब ये है, यहीं पास मतलब गड़ता है दोस्तों विकेट। और जो वो दिख रहा है दोस्तों, आपको दिखा दें, वहाँ पास से बॉलिंग करते हैं हम, यहीं मतलब आते हैं डेली दोस्तों खेलने, आपको दिखा दें, देख सकते हैं गाइस, जो ये रखा है दोस्तों, यहीं पास से मतलब बॉलिंग करते हैं। और यहाँ मतलब इतना बड़ा ग्राउंड दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। और जो पीछे साइड है दोस्तों, जहाँ साइड से मैं अभी आया हूँ, वहाँ साइड अभी खुदाई उदाई भी मतलब गड्ढा भी बहुत हो चुका है दोस्तों, तो वहाँ बंद कर दिए हैं हम, यहीं आ गए हैं, यहीं मतलब ग्राउंड बना लिए थे दोस्तों। और यहीं टूर्नामेंट हुआ था अभी पहले, मतलब हो गए होंगे 2-3 महीने हो गए होंगे, यहीं टूर्नामेंट हुआ रहा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहीं मतलब बगल से डामर रोड भी बना है दोस्तों, जो कि मतलब यहाँ से अकेले भी जा सकते हैं दोस्तों, जो कि आपको दिखा दें हम,
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ मतलब महुआ का पेड़ बहुत लगा है दोस्तों। देख सकते हैं गाइस ये है मतलब यहाँ यहाँ भी पहले मतलब भट्टा था दोस्तों, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा। और ये रोड डामर रोड दिख रही है दोस्तों आपको, मतलब यहीं से मतलब ये देख सकते हैं दोस्तों यहीं से सब कोई जाते हैं, करकेली भी जा सकते हैं दोस्तों यहीं से मतलब। और यहीं से दोस्तों बगल में लदेरा भी लगा है दोस्तों। आज का ब्लॉग इतना ही था, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।